Rodos abis. Ya dulu. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೌಸೀಫ್. हारने का कारण आप जानते होंगे, हमारे सीनियर लीडर कालेबा साहब के घर में मेरे को खाने की दावत दिया गया था. जितने भी सियासतदान कोई भी पार्टी के सीनियर लीडर जितने भी है, एक उनके विजिट उनके घर पे विजिट करते हैं. इस तरीके से मेरे को भी दावतनामा दिया गया था, उसके लिए उनके घर पे खाने के लिए आया था. उसके साथ में नासिर और फैरोज, उन्होंने एक जमीर अहमद खान अभिमानी संघा करके एक संघा खोला है, उसका इनाग्रेशन के लिए दोनों बच्चे लोग कल आके जिंदगी में मेरे को ये करके आह्वान दिए थे, तो उसके लिए आके मैं आज वो इनाग्रेशन करके आया. सर, ये जिंदगी जो उपचुनाव चल रहा है सर, इसमें आपके अभ्यर्थी जो है तो उनका किस तरह से रिस्पॉन्स? नहीं, अभी मैं कल आया उधर, कल आके 7 JP मिलते उधर. 7 JP के अंदर 4 JP में टोटल रात में 10 बजे तक कवर किया. जो पब्लिक का रिस्पॉन्स देख के मैं खुद परेशान हुआ कि पब्लिक, मैं खुद डरा हुआ था कि अभी वो जनता दल से भी मुस्लिम कैंडिडेट डाल दिए. वो मुस्लिम कैंडिडेट जो डाले, वो मेरी बहन वो अच्छी फैमिली से है, उनके शोहर भी जो है इंस्पेक्टर है, वैसे को लगा के डाल दिए कुमार स्वामी ने. मैं देख के कुछ मुसलमान के वोट डिवाइड होते करके सोचा. कल पूरा मायना करने के बाद किधर भी डिवाइड होने के चांसेस नहीं दिख रहे. उसकी वजह जो बस्य कल्याण के अंदर जो कुमार स्वामी ने मुस्लिम कैंडिडेट डाल दिया था, जो साहेब को, वो साहेब मतलब वो दरगाह के सज्जादे शायद थे, वो बहुत अच्छे आदमी थे, नाम था उनका और कांग्रेस में ही थे वो, उनको डालने की वजह से 11,000 वोट उनको पड़ा. यानी कुमार स्वामी को नहीं, जनता दल को नहीं, वो खाली उनके नाम से वोट पड़ा. आदमी लोग इतना चाहते थे उनको, वो 11,000 वोट लेने से क्या हुआ, हमारी कांग्रेस की हार हो गई. वो आवाम को इधर तक मैसेज है और एकदम से ये लोग दोनों बाई इलेक्शन में मुसलमान का देने का मतलब क्या है. जो हाल ही में भी जो बाई इलेक्शन हुआ था बसों के में, उधर भी मुसलमान दिए. अगर इनको मुसलमान के ऊपर इतनी चाहत है तो क्यों नहीं रामनगर के अंदर देते, क्यों नहीं चनपटना के अंदर देते, क्यों नहीं मैसूर में देते, क्यों नहीं हासन में देते. ये खाली BJP से व्यवहार करके, यानी पैसा लेके ये मुसलमान कैंडिडेट डाला गया है. मैं हाल ही में एक ZP के गांव में गया था, मैं उधर कोई शशि गौड़ा करके मेरे को आके गाड़ी में जब जा रहा था, गाड़ी मेरी रोक के सब अंदर मुसलमान की तादाद है गांव के अंदर, उधर मुसलमानों ने BJP से पैसा लेके BJP को वोट डालने का तय कर लिया. मेहरबानी करके आप आओ करके मेरे को लेके गए थे. उधर जाने के बाद मैं अंजुमन वालों को बिठा के पूछा, क्या भाई तुमने BJP से पैसा लिया है क्या? हाँ साहब, BJP वाले पैसा दिए हमारे को 5 लाख, मगर हमने उनको सीधी तरह साफ तरीके से मना कर दिया कि हम BJP को वोट नहीं दे सकते, हमारे मुसलमान मानते नहीं BJP को वोट देने के लिए. नहीं नहीं, ये पैसा आप रखो, जनता दल को वोट दे देना, हमारे को वोट मत दो, ये पैसा रखो जनता दल को वोट दो. यानी मतलब क्या, BJP वाले मुसलमान को जाके जनता दल को वोट दे रहे,
तो मैं अंजुमन वाले उनको पूरे जिम्मेदारों को समझाया, इसका मतलब आप समझे नहीं अभी तक। अभी बीजेपी वाले पैसा देके आपको जनता दल को वोट डालो, मतलब क्या आप जनता दल को एक वोट डालेंगे तो बीजेपी को डालने जैसा, यानी फायदा उसका बीजेपी का होता है, इसके लिए तो पैसा दे रहे वो लोग। ये नहीं कुछ भी करने दो, आवाम समझदार है, वोट डिवाइड होने के चांसेस नहीं। और मनगोली साहब जो थे वो दो ही बार एमएलए बने थे, 94 के अंदर एक बार एमएलए बने थे, उसके बाद 2018 के अंदर जहाँ भी मैं जा रहा हूँ वो बोलते साहब आज तक इधर कुछ डेवलप नहीं हुआ था, ये बीजेपी का 6-7 बार एमएलए हुआ था, परसों नौबत प्रचार के बाद 30 साल के बाद अभी मनगोली साहब परसों 2018 में जीते, वो आने के बाद थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, उससे पहले कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ करके आवाम बात कर रही है। सर जो राहुल गांधी जी के ऊपर बीजेपी के राज्य अध्यक्ष ने कुछ बात की, सर उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं अभी क्या हो गया, बीजेपी के अंदर कोई डेवलपमेंट मुद्दा नहीं है बात करने के लिए। आप देखे होंगे डीजल की भाव कितने तक चला गया, अगर के डीजल का रेट कितने तक चला गया, पेट्रोल का रेट कितने तक चला गया, गैस सिलेंडर का रेट कितने तक चला गया, और इकोनॉमिक किस तरीके से ख़त्म होगी हमारी इंडिया की, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और डेवलपमेंट वर्क नहीं है, ये माइंड डाइवर्ट करने के लिए। अभी क्या है, आज हिंदुस्तान के अंदर कोई नरेंद्र मोदी के बारे में बात करता तो दो ही आदमी बात करते हैं, एक हमारे राहुल गांधी जी और एक कर्नाटक के सिद्धरामैया जी, वो छोड़ के कोई बात करता नहीं प्रधानमंत्री के खिलाफ, क्योंकि उनका डर है कि ईडी उनके कंट्रोल में है, सीबीआई उनके कंट्रोल में है, हर चीज़ उनके कंट्रोल में। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ मैं, आप आज़म खान का नाम सुने होंगे, यूपी के अंदर आज़म खान मतलब हिंदुस्तान के अंदर नामचीन आदमी, वो ख़ानदानी पैसे वाले, उनके परदादा से पैसे वाले, वो उनके ख़ानदान में उनके परदादा ने यूनिवर्सिटी बनाया था, कॉलेजेस बनाया था। आज उनको एक पावरफुल मुस्लिम लीडर करके, आज उनको यूपी के अंदर बोलने वाला एक मुस्लिम लीडर है करके, आज उनको यूपी के अंदर पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, उनके पूरे यूनिवर्सिटी डिमोलिश कर दिए। यानी इतना जुल्म बीजेपी के अंदर अल्पसंख्यातों को हो रहा है। नहीं नहीं मैं क्या बोलता हूँ, आप जानते कि हमारी पार्टी हाईकमान पार्टी है, हमारी पार्टी में जनता दल वाले ही बोलते, बहुत से बार कुमार स्वामी बोले कांग्रेस पार्टी जैसे हमारी पार्टी नहीं है, उनकी पार्टी हाईकमान दिल्ली के अंदर है, उनको एमएलए टिकट लेना तो भी दिल्ली जाना, सही है वो हमारी पार्टी के अंदर हर चीज़ के लिए दिल्ली जाना, मगर इनकी पार्टी हाईकमान पार्टी इधर पद्मनाभ नगर में ही है ना, इधर आप क्यों नहीं अनाउंस करते, आपकी पार्टी इधर है हाईकमान पार्टी, इधर अनाउंस करो आप। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं बीजे जमीर अहमद खान का साहब का शिवाजीनगर चामराजपेट के रहते हैं, सब लोगों के शहीद थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों के, उनका मैं तहदिल से अपने और से अपने फैमिली की तरफ से और एज भी सोशल ग्रुप के जानिब से तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि एक सेकुलर एमएलए रहते हुए बहुत लोगों की काम करते हैं, देख सकते हैं आप कोरोना में इतना काम करे हों अपनी जान की परवाह ना लेते हुए, ऐसे कैंडिडेट हैं। तो सिंधी का इलेक्शन चला हुआ है तो सिंधी को आए थे वो कल प्रचार करने के लिए, आज बीजापुर को आए थे तो बीजापुर में दौरा हुआ और हमारे ऑफिस को आकर उद्घाटन किए। मैं उनके और उनके टीम वालों का तहदिल से चाहता हूँ। मैं नासिर नागरवड़ी, एज बी सोशल ग्रुप प्रेसिडेंट। श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर ज्योतिषालय, पंडित मंजुनाथ गुरुजी। पृथ्वी, अग्नि, वरुण, वायु, ಆಕಾಶಗಳೆಂಬ ಪಂಚ ಮಹಾ ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾದ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಚರಾಚರ ಜೀವ ಜಂತುಗಳಿಗೆ ರಹಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವೇ ಪುಣ್ಯವೆನ್ನುವ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಪಾಪಗಳಂತೆ ಕಾಡುತ್ತವೆ.
ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮಾನವನ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವ ಏಕೈಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಜಿ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರ, ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರ, ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಹಣಕಾಸು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾಟಾ ಮಂತ್ರ, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ, ವಾಮಾಚಾರ ಇನ್ನಿತರ ಹಲವಾರು ಕಠಿಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೂ ಕೇವಲ 11 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಜಿ. ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರು ಲಾಸ್. 4 ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಹೊರತು ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಮನೆ ಕಟ್ಸೋಣ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಾಡ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗುರುಜಿ ಹತ್ರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪೂಜೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲಂತೂ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಗುರುಜಿ ಅವರು. ನನ್ ಮಗಳು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಗುರುಜಿ ಅವರು. ಕೆಲವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗುರುಜಿ ಅವರು. ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನ್ ಮಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಖಾಯಂ ಮನೆ ವಿಳಾಸ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಜ್ಯೋತಿಷಾಲಯ, ಉಷಾ ನಿವಾಸ, ಸಾಸ್ನೂರು ಬಾಯಿ ದವಾಖಾನೆ ಹತ್ತಿರ, ಮೇಘರಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪಕ್ಕ, ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ವಿಜಯಪುರ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9980273198.